सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखो। अब इस वीडियो क्लिप में आप लोगों ने क्या देखा, एक कार देखी एंड यहाँ पर हम लोगों ने परवाज देखा जिसका नाम वैरो है, ना कि कल्कि। एंड काफी सारे लोग सोच रहे थे कि यहाँ पर हम लोगों को कल्कि के अवतार में देखने के लिए मिलेंगे परवाज, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जो वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखी, इस वीडियो क्लिप को बनाने का खर्चा है जो है लगभग 7 से 8 करोड़ के अराउंड गया है। एंड इस फिल्म को जो इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो फिल्म के मेकर्स है वो ऐसी ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं भाई, आज तक कभी किसी ने की नहीं होगी। एंड ये रीजन है जिसकी वजह से 27 जून को जो एक हिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी। 27 जून को जब प्रभास की कल की फिल्म रिलीज होगी ना सिनेमाघरों में, तो यकीन मानो कि वहां पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पूरी तरीके से हिल जाएगा। इस फिल्म में जो हम लोगों को चीजें सबसे ज्यादा बढ़िया देखने के लिए मिली अभी तक, वो ये सबसे पहले तो हम लोगों को अमिताभ बच्चन का जो अश्वदमा वाला किरदार देखने के लिए मिला था। सिर्फ कुछ सेकंड के लिए हम लोगों को अमिताभ बच्चन का एक किरदार देखने के लिए मिला था, जो कि आप लोगों ने ये वाला लुक देखा होगा। एंड इस लुक की वजह से जो है कल की फिल्म का जो हाइप है ना वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल जा चुका है। एंड पब्लिक इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुकी है। एंड इसके बाद फिल्म के मेकर्स ने अपनी कार बुज्जी को जो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया है इस टीजर के जरिए। एंड इस टीजर को बनाने का खर्चा लगभग 7 से 8 करोड़ के अराउंड है, तो आप लोग समझ सकते हो कि फिल्म आखिर इतनी ज्यादा महंगी क्यों है, आखिर इस फिल्म का बजट जो है लगभग 700 करोड़ के अराउंड कैसे चला गया। चलो मैं आप लोगों को इस मूवी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें बताता हूँ ना, जिसे जानने के बाद आप लोग इस मूवी को लेकर और भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। सबसे पहले बात करते हैं प्रभास के बारे में। अब देखो यार, प्रभास का इस फिल्म में जो नाम है वो होने वाला है वैरो। एंड वैरो जो है एक एआई के साथ इंटरकनेक्टेड होगा, मतलब एआई के साथ बात करेगा जैसे हमारा आयरन मैन करता था। तो ठीक इसी तरीके से जो यहाँ पर एक आयरन मैन की तरह जो एक एआई देखने के लिए मिलेगा जिसका नाम बुज्जी होगा, जो कि एक तरीके से कार होगा, जो कि हम लोगों ने इस टीजर में देखा। एंड ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इन दोनों की बातचीत सुनकर ही मजा आ जाएगा। एंड प्रभास का जो यहाँ पर अनाउंसमेंट किया गया है, फिर इस टीजर के जरिए जो हम लोगों को प्रभास का किरदार दिखाया गया है वैरो नाम से, उसमें भी आप लोगों को कुछ ना कुछ फनी चीजें लगी होंगी, जहाँ पर जो है प्रभास किसी भी जो है मजाकिया तरीके से अपने एआई बुज्जी के साथ बात करता है। वेल, इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अश्वदमा के बारे में, यानी कि अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन का जो किरदार हम लोगों को इस फिल्म में दिखाया जाएगा, वहाँ पर हम लोगों को हल्की सी झलक देखने के लिए मिल जाएगी महाभारत टाइम की, जो कि वाकई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड जैसे ये फिल्म सिनेमाघरों में आएगा ना, गूज़बम्प्स आ जाएंगे एंड पब्लिक पागल हो जाएगी, चिल्लाने लग जाएगी, कुर्सियों को फाड़ डालेगी भाई। तो यार मैं इस फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बाकी 27 जून को जब ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी तो हमारे आंखों के सामने होगा कि आखिर ये फिल्म सुपरहिट होती है या ब्लॉकबस्टर होती है या फिर क्या होता है, सब कुछ पता चल जाएगा। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को अपडेट मिलते रहेंगे। सो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी पर्सनल राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ट्विटर अकाउंट पर फॉलो कर सकते हो। एंड मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।